कमल जी सहरावत मौजूद हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं पश्चिमी दिल्ली से। कमल जी अपार जो जनसमर्थन है वो मिलता हुआ तमाम जो होली मिलन के दौर हैं वो जारी हैं, ऐसे में होली पे क्या कुछ शुभकामनाएं आपकी रहेंगी? सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली त्यौहार है जो इस बात का एक मॉरल सपोर्ट करता है कि हमेशा जीत धर्म की होती है। कितनी भी मुश्किलें हों सत्य हमेशा आग में से बाहर आता है, और जब होली है तो देश भी एक धर्म के साथ चलने वाली रीति नीति के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत आशीर्वाद हमें मिल रहा है तो मुझे लगता है कि भारी समर्थन प्रधानमंत्री है कि ये आशीर्वाद जो है 25 मई को वोटों में तब्दील होगा और 4 जून को एक बार पुनः होली देखने को मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी, इस बार पिछली बार दिवाली 2 देखी थी, इस बार होली 2 देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कमलजीत सहरावत बताते हुए कि एक बार फिर से होली होगी। हमारे साथ अशोक शर्मा मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं मटियाला वार्ड से, और उनकी जो धर्मपत्नी हैं अनुराधा अशोक शर्मा वो निगम पार्षद हैं यहाँ से। अशोक जी क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का माहौल है? देखिए होली का असर है और उत्साह का माहौल है, कार्यकर्ता कितने खुश हैं आप देख पा रहे हो। मोदी जी का जादू है और होली मिलन समारोह है, कार्यकर्ताओं में बहुत अपार उत्साह है, और मुझे लगता है ये जीत देश की सबसे बड़ी जीत पश्चिमी दिल्ली में होने जा रही है, और कार्यकर्ताओं को उत्साह बता रहा मैं नहीं कह रहा, तो मुझे लग रहा है इस बार 8 लाख पार। माने 4 जून को पुणे एक बार होली देखने को मिलेगी शायद? बिल्कुल, 4 जून को इससे भी बड़ी होली देखने को मिलेगी। आप बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम जो कार्यकर्ता हैं आप देखें उत्साह से भरपूर। अंकल क्या लगता है कि ये जो तमाम समर्थक हैं वोटों में तब्दील होंगे? हाँ जी बिल्कुल होंगे जी, भारतीय जनता पार्टी की जो विजय पताका है फहराएगी इस बार? बिल्कुल फहराएगी 100%। मोदी इस तरह का जनसमर्थन है भारतीय जनता पार्टी के प्रति मटियाला वार्ड में? बिल्कुल है, और मोदी जी का नाम पूरे देश में ही है, मटियाला पूरे देश में है, और यहाँ तो पूरा बीजेपी को है, पूरा 7 सीट आएंगी। 4 जून को जब नतीजे आएंगे पुणे होली होगी एक बार, बिल्कुल इससे भी बड़ी होगी। चलिए तमाम जो महिला समर्थक है वो मौजूद हैं, एक बार उनसे जानते हैं बहनों से। कमल जी सहरावत प्रत्याशी हैं आपके यहाँ से, महिला हैं आप, स्वयं महिला हैं, कमल जी सहरावत यानी लेडीज कैंडिडेट जो है वो आपको दी गई हैं, ऐसे में किस तरह का माहौल है, किस तरह का जनसमर्थन मिलने की उम्मीद है उनको? देखिए जैसा उन्होंने बोला ना कि 400 पार, तो हम यहाँ से कह दें कि इस बार जिस कैंडिडेट को उतारा गया ना बहुत भारी मतों से जीत होगी, शायद अब तक का रिकॉर्ड टूटेगा, ये भी गारंटी है। रिकॉर्ड टूटेगा पिछली बार का? मातृशक्ति साथ में रहेगी? हाँ हाँ बिल्कुल रहेगी सर। मैं कह रहा हूँ मातृशक्ति का पूरा सहयोग मिलेगा, का पूरा सपोर्ट मिलेगा, तभी इस बार का रिकॉर्ड टूटेगा। आप देखें जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं वो उत्साहित हैं, जो महिला कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, और सारे मटियाला वार्ड में जो होली की धूम है वो दिखाई देती हुई लोग कमलजीत सहरावत को जीत की अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए। सहयोगी गौरव कुमार के साथ मैं कौशिक।